सदैव कहते हे मनुष्य, तेरा गुण तुझे बड़ा बना देता है। अगर बड़ा बनना है तो गुणवान बनो। अवगुणी व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बनता है, वो भी बताऊं रहा। वो बहुत अच्छी बात याद दिला रहे हैं, पांच बातें जिन बातों से घर में दरिद्र आता है। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिसके घर में ये पांच बातें होती है उसके घर में दरिद्र आकर बैठ जाता है। कौन कौन है पांच बातें, थोड़ा ध्यान से सुनो सीधे होकर। कुछ एलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिति शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। नीति शास्त्र कहता है यदि वो विष्णु भगवान ही क्यों ना हो, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है विष्णु भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन ये पांच गलतियां करेंगे तो उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाए। कौन कौन पांच गलती? कुचेलिनम, जो मैले वस्त्र पहनता है, गंदे वस्त्र पहनता है, कपड़ों में गंदगी लगाए रहता है, नाक छिनक कर कपड़े में चिपका लेता है, मक्खियां बिदबिदाती रहती है, जो कपड़ों को धोता ही नहीं है कई दिनों तक, उस व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है, दरिद्र उसके हाथ आए। आज संकल्प लेना साफ कपड़े पहनो, क्लीन कपड़े। जितने भी नेता हैं सभी नेताओं में सबसे साफ सुथरा नेता कौन है, सबसे टॉप के साफ कपड़े कौन पहनता है? एकदम ठीक ठाक। किस पद पर पहुंचा वो? प्रधानमंत्री, सबसे टॉप पद पर गया है। ये कपड़े का खेल है, आज तुमको बता देता हूं। लेकिन केवल कपड़ा ही कपड़ा नहीं है, और भी बात है। साफ कपड़े कुचेले हम दंत मलोपधारण, और जिसके दांतों के ऊपर मैल लगा रहता जो दतून नहीं करता है, मंजन ब्रश नहीं करता है, दांतों को साफ नहीं रखता, उसे लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, उसके घर में दरिद्र रहता है। सवेरे उठकर मंजन ब्रश भी कीजिए, दांतों को साफ कीजिए। जब आप हंसिए मुस्कराइए तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दूध जैसे दिखने चाहिए। दांतों के ऊपर मैल चिपका हुआ, कितने लोग हंसते हैं तो उनके दांतों पर ऐसा लगता भैंस का गोबर लगा, बहुत मैल है। ये तमाकू माकू मत खाओ, तंबाकू जो खाते हैं तिनके गिरते दांत, पाचन क्रिया बिगड़ती सड़ जाती है आंत, और सड़ जाती है आंत की थू थू थोकत बंदा, घर आंगन दीवाल जहां बैठे तह गंदा, थोड़े में कह दिया दोष ज्यादा क्या आंकू, और जल्दी दीजे छोड़ यार खाना तंबाकू, खाना तंबाकू छोड़ो। भवासनम, तीसरी बात, जिस घर के लोग बहुत भोजन खाते हैं, तसला भर दाल भात खाते हैं, 20-20 रोटी खाते हैं, एक एक किलो खीर पी लेते हैं, उनके घर में दरिद्र आ जाता है, क्योंकि वह सब के सब बीमार रहेंगे, स्वस्थ नहीं रह सकते। अधिक खाने से अधिक बीमारियां आती,
कम भोजन करो, अल्पाहारी बनो और चबा चबा कर खाओ। कम खाने से मनुष्य की बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। आवश्यकता से अधिक भोजन शरीर के अंदर जब पहुंचता है, पूरे शरीर को उदास करता है, सुस्त करता है। इसलिए अधिक भोजन खाने वालों के घर में दरिद्र आकर बैठ जाता है। आज एक संकल्प और ले लो, कम भोजन खाऊंगा। ले लिया कि नहीं लिया? महिलाओं ने भी ताली बजाई है, इन्होंने भी लिया है संकल्प, आज कम खाऊंगी, कल से फिर डबल खाऊंगी। कम खाइए। ज्ञाने घटै नर मूढ़े की संगति, ध्याने घटै चित को भर माए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। कम भोजन करने से बुढ़ापा देर में आता है। अधिक भोजन खाने से 40 वर्ष की उम्र के बाद तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा झलकने लगेगा। बड़ी शर्त है ये। मेरा गुरु 100 साल का है, लेकिन अभी लगते हैं कि 50 साल के हैं। बहुत तंदुरुस्त है। मैंने कहा गुरुजी कमजोर नहीं हुए? बोले कम खाता हूं इसलिए कमजोर नहीं हुए, अधिक खाता तो कमजोर हो जाता। बुद्धि घटे बहु भोजन। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, माने घटै नित पर घर जाए। दयाल कहीं सुनर नर मूरख, पाप घटै हरि के गुण गाए। दयाल कहीं सुनर नर मूरख, पाप घटै हरि के गुण गाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, माने घटे नित पर घर जाए। माने घटे नित पर घर जाए। रोज रोज किसी के घर मत जाए, सम्मान घट जाएगा। देखने वाले संदेह करेंगे कि इनके घर में रोज रोज क्यों आता है। तुम्हारे ऊपर लांछन लग जाएगा, दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। राजस्थान कोटा में दो साधु किराए से मकान में रहते थे। साधु भेष में थे, साधु वादु तो पूरे थे नहीं। तो उनके यहां कुछ लड़कियां आती थी, तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखते थे तो उनको संदेह होता था ये लड़कियां क्यों आती। इनके साथ इनके पिताजी आए, पति आए, ये लड़कियां लड़कियां क्यों आती। तो पड़ोसी लोग सोच रहे थे कभी दांव मिलेगा तो इनको सुधारूंगा। तो एक दिन दांव मिला तो उन दोनों की मोटरसाइकिल फूंक दिया पड़ोसियों ने, मोटरसाइकिल फूंक दिया। तो उन्होंने कहा क्यों फूंका? बोले कभी दांव मिलेगा तुम दोनों को भी फूंक दूंगा। बोले क्यों फूंक दोगे? बोले देखे देखा नहीं जाता, इतना गलत काम।
उनके साथ बैठो मत जिनके साथ बैठने से तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग सकता है। उस गली में निकलो मत जिस गली में निकलने से तुम बदनाम हो सकते हो। उस सामान को हाथ में पकड़ो मत जिसको पकड़ने से तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। और उनकी संगत मत करना जिससे तुम्हारा ग्राफ गिर सकता है। और उनको अपने साथ में मत रखना जिनके साथ में रहने से तुम्हारी वक्त हकीकत वक्त कम हो सकती है, कीमत कम हो सकती है। ऐसे लोगों को दूर कर देना, मत रखना। मैं तो इन चीजों में बहुत सावधान रहता हूं, क्योंकि सम्मान को बनाना बड़ा कठिन होता है और सम्मान को खोना बहुत आसान होता है। सम्मान बनाने में सदियां गुजर जाती हैं, शताब्दियां गुजर जाती हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। बाप दादों ने मुश्किल से सम्मान खड़ा किया था स्कूल कुटुंब और परिवार का। एक बेटे की छोटी सी गलती से सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए कृपया परिवार का हर सदस्य सावधानी बरते ताकि जो अपनी फैमिली का सम्मान सदियों से चलता चला आ रहा है वो सम्मान में दाग न लगने पाए। वाह वाह, बहुत बड़ी चीज है। दाग लगे जाएगा, नाम डूब जाएगा, विधायक आ जाएगा। पूर्व विधायक जुगल किशोर गुप्ता को व्यास का भी धन्यवाद दे रही है। बहुत बुजुर्ग हो गए। वाह वाह, धन्य हो बाबा। बैठो, इस क्षेत्र के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, वाह वाह। अनूपपुर के पुलिस अधीक्षक आने वाले शाम को आएंगे। इतना एडवांस पर्ची भेजते हो, लिखते भी नहीं, शाम को आएंगे। मैं सोचता आ चुके। मत भेजा करो, प्रवचन हो रहा कि तमाशा समझते। बोलो दरोगा जी, यहां पर्ची भेज कर डरवाते हमको। श्री मांगीलाल सोलंकी एसपी साहब के भी आने के विचार है। अभिषेक राजन एएसपी को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है और समस्त पुलिस जवान थाना भालू माड़ा वाड़ा है मा माड़ा रामनगर टीआई हरिशंकर शुक्ला जी। खड़े हो जाओ शुक्ला जी, उधर देखो। वाह वाह, शुक्ला जी भी मजेदार है, भोला भाला है। तो ये अहंकार नहीं है कि मैं टीआई हूं, टाइट कर दूंगा। वो समझ रहे गुरुदेव सबको राइट कर रहे हैं, अब टाइट की जरूरत कम पड़ेगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, ताली बजा दो एक बार। बजाते रहो, हाँ बस, लोग कहेंगे पागल है सब। बजाते रहो। वाह वाह, साहिब बंदगी। तो तीसरी चीज बहवाशनम, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, इसलिए कम भोजन खाना और थोड़ा व्यायाम भी करना।
थोड़ा पैदल भी चलना। पैदल चलने से 43 रोग समाप्त होते हैं और योगा करने से एक भी रोग नहीं रहता है। कम खाने से शरीर निरोग रहता है, अधिक खाने से शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। बुद्धि का स्मरण घट जाता है। हंसने से मेमोरी स्ट्रांग होती है, दुखी रहने से बुद्धि कम हो जाती है, चिंता करने से शांति और स्वास्थ्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, टेंशन करने से प्रसन्नता का विनाश होता है और सुंदरता का विनाश होता है। जितना ज्यादा टेंशन करोगे बदसूरत होते चले जाओगे, और टेंशन करके तुम कुछ नहीं पाओगे इस दुनिया में, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं पाया है। कितनी ही टेंशन करो, जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो खो गया है उसको भूल जाइए, जो मिलने वाला नहीं है उसकी दौड़ छोड़ दीजिए, और जिसको मिलने के आसार हैं उसके लिए प्रयास कर लीजिए, लेकिन जो है उसमें आनंदित रहो। जो बेटा है उसके साथ एडजस्टमेंट बनाओ, जो बहू मिली है उसके साथ सेटलमेंट करो। ज्यादा उलझोगे कुछ उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। साहिब बंद कुचेलिनम दंत मलोप धारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम जा। और चौथी चीज, जिस घर के लोग निष्ठुर वाणी बोलते, निष्ठुर वाणी समझते, बहुत दुख देने वाली बात कहते हैं, कठोर बोलते हैं, जिनकी वाणी बाण से ज्यादा घाव करते हैं, ऐसे घर में दरिद्र आ जाता है। यदि स्त्रियां चाहती मेरे घर में धन धान्य पूर्ण हो, मृदुभाषी बनो, अपने पति से बहुत मधुर बोला करो। कितनी स्त्रियां पति से ऐसे बोलती हैं, बिल्कुल काट काट कर खाती है, और कितने पति लोग तो ऐसा कड़क बोलते हैं, पत्नियां रोती हैं बैठकर से सकती हैं कि ये पति रावण जैसा मिला है, क्या करूं, बहुत दुख लग जाता है। शादी होने के बाद कभी कभी अपनी पत्नी को खुश भी तो किया करो, उसके साथ बैठकर हंस भी तो लिया करो, इतना टेंशन में क्यों रहते हो, इतनी हाय हाय क्यों करते हो, क्या मिलने वाला। अब जब से मोबाइल आ गए हैं तो पति पत्नी मोबाइल में अटके रहते हैं, सब मोबाइल में एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। धन्य हो, निष्ठुर वाणी आपके घर में दरिद्र को बुलाती है, मृदु वाणी लक्ष्मी को स्थापित करती है, इसलिए मधुर बोलने का स्वभाव बनाए। भगवान श्री राम का स्वभाव कैसा था, राम जब बोलते थे तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलते थे, देखना। वाणी को यदि प्रभावशाली बनाना है, मधुर बनाना है, तो खुश होकर के बोलिए, प्रसन्न होकर बोलिए, थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए, आपकी वाणी अमृत वाणी हो जाएगी।
जब केवट ने नाव लाने से मना किया है तो राम कैसे बोलते हैं, कृपा सिंधु बो ले मुस्काई सुई करु जे ही तहे नाम न जाई। हे केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे। केवट ने कहा मैं चरण पखार लूंगा तो नाव बच जाएगी। तो भगवान स्वयं कहते हैं यदि ऐसा है तो बेगियानु जल पाई पखारू होत विलंब उतारहु पारू। जल्दी जल लाइए, चरण पखारिए, देर हो रही है, मुझे गंगा पार कीजिए। केवट ने कहा प्रभु 14 साल का वनवास है, 1 साल यही रह लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, 14 साल बिताना है आप, देर किस बात की, कोई लक्ष्य तो है नहीं खाली वनवास में 14 साल काटना है। राम ने कहा भगवान वही होता है जो कभी लक्ष्य भी नहीं होता। इस वन के अंदर भी मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है, इस वन को शांत वन बनाना है, यहां राक्षसों का प्रभाव खत्म करना है, जिसके लिए 14 वर्ष मुझको लगेंगे, बड़ी योजना बनानी है, राक्षसों का विनाश करना है, साधु संत ऋषि मुनि सज्जनों को शांति प्रदान करना है, इसलिए मुझे देर हो रही है, यहां टाइम नहीं पास करना। भगवान समझाते हैं कि टाइम पास करने की आदत को छोड़ दो। भगवान को भी देर हो रही, वो कह रहे हैं देर हो रही। कल मैं गया था लेखन दास चंद्रा जी के यहां, खड़े हो पधरौनी इनके यहां गया था, इनकी वाइफ माधुरी देवी बड़ी व्यवस्था किया, ये धार्मिक भी है धनवान भी है, दो दो जेसीबी नई नई कारें खड़ी, बहुत पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला है लेकिन प्रेम वाला भी, दिल वाला भी, बड़ी अच्छी पधरौनी कराए, रात में सबको भजिया और चटनी बर्फी जो भी माल छकना है छको, सब साधुओं ने रात में चटनी पी लिया, सब उठा के बैठिए, बहुत सेवा की। लोहासुर भी गया था, लोहासुर में जीवनदास चंद्रा जी के यहां, जीवनदास महाराज खड़े हो जाओ, ये जीवनदास महाराज बड़ी अच्छी सेवा किया, ऐसे भाव से सेवा। कबीर मंदिर बनाया है, कबीर के प्रति बहुत आस्था, मंदिर में भी ले गए 1 मिनट, घर में ले गए, पंडाल लगाया, वहां प्रवचन भी हुआ, फिर गांव पूछा क्या नाम, बोले लोहासुर, तो हमने कहा अच्छा हुआ जो महिषासुर के यहां नहीं आए। बैठो बैठो, बहुत बड़ा बड़ा विचित्र नाम है गांव। एक और सज्जन के यहां मैं गया, कौन गांव था, जोगी टोला में गया, मेढ़ई दास के यहां, कहां है मेढ़ई दास खड़े, ये देखो बहुत बड़ी श्रद्धा, बड़ा सुंदर चरण पूजा किया, आरती वंदन किया, थोड़ा सत्संग सुनाया, कि मैंने कहा 2 दिन के लिए बुलाना कर, 2 दिन में फंसा दिया हमको, 2 दिन। अभी क्षेत्र में पहली बार अनूपपुर जिले में मैं आया हूं, तो मेरी इच्छा है अब हर साल आता रहूं जिले में, कहीं ना कहीं आता रहूं। बोलो माननीय विधायक श्री जुगल किशोर गुप्ता जी, सही बात, आता रहूं, ठीक। भगवान राम को भी देर हो रही है, होत विलंब उतारो हो पारू, ये चौपाई संकेत कर रही है कि टाइम पास कभी मत करना, फटाफट काम को करना, क्योंकि जो समय बचेगा उस समय में कुछ तुम नया कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, कुछ दूसरा कर सकते हो। यदि समय तुमने गंवा दिया है और तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा है कुछ करने के लिए, तो नया कुछ करने का चांस आ गया तो तुम कैसे कर पाओगे, इसलिए टाइम की भी बचत करना सीखो।
अभी जब यहां व्यास गादी पर आ रहे थे, श्री हीरा चंद्रा जी पटवारी साहब के मकान का भूमि पूजन हुआ। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, फटाफट लड्डू बटवा दिए, कलाकंद बटवा दिया, और वो हीरा चंद्रा खड़े हो पटवारी साहब, कहा बहुत अच्छा भूमि पूजन हुआ। फटाफट उसने दक्षिणा दे दी, साधुओं को भी दे दिया, जितने साधु गए थे माला माल हो गए। बहुत अच्छा मकान बनकर खड़ा होगा, जब मकान बनेगा तब फिर आऊंगा उसमें। श्री राम रतन जी चंद्रा उन्होंने भी चरण पूजन के लिए अपने नए मकान में बुलाया, लेकिन मैंने कहा देर हो रही। श्री पूरन जी ने कहा एक और मकान है, तुमने कहा बस डेढ़ बज गया है, व्यास गादी पर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, होत विलंब पार करो जल्दी, दौड़ के आ गया। बेगियानु जले पाई पखारू, होत विलंब उतार हुपारू। वाह, राम ने केवट के साथ में जबरदस्ती नहीं किया, मुस्कुरा कर कहा है देर हो रही है, जल्दी चरण पखारो पार उतारो। केवट ने चरण पखार लिया, नाव पर बिठा लिया, लेकर चल दिया। जब उस पार कर दिया तो राम के मन में संकोच आ गया कि उतराई भी तो देना चाहिए। उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सी राम भू लखण समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ये सब कुछ मैं कछु नहीं देखा। उतराई गंगा से पार करने वाले केवट को उतराई देने के लिए राम संकोच कर रहे हैं। सीता जी अंगूठी उतार कर दे देती हैं कि अंगूठी दे दो मेरे राम, तुम संकोच मत करो। जो पत्नी अपने पति को संकोच से मुक्त कर देती है वो सीता के समान होती है, और जो पति को हमेशा संकोच में डाल देती है वो फिर कौन है, पता लगा लेना, मैं नहीं बताऊंगा। पति को संकोच में मत डालो। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ये सब कुछ मैं कछु नहीं देना। गंगा पार उतारने वाले केवट को राम अंगूठी दे रहे। संत महात्मा तो आपको भाव सागर से पार करने वाले, इनको भी कुछ उतराई देना चाहिए, उतराई में दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा में प्रथम दक्षिणा अपने अवगुण दान करना चाहिए। जब अवगुण दान करोगे तभी भवसागर से पार हो जाओगे। और तुम्हारे पास में अवगुणों की क्या कमी है, बड़ा लंबा चौड़ा स्टॉक है सभी के पास, दो चार अवगुण दे भी दोगे फर्क क्या पड़ेगा। अवगुण और अवगुण के साथ में जब तुम धन दान करते हो तो वो धन दान हजार गुना पुण्य तुमको प्रदान करता है। अगर अवगुण दान नहीं किया और खाली धन दान किया तो केवल धन दान का एक गुना पुण्य मिलता है। अवगुण के साथ में जब धन दान कर देते हो तो हजारों गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। शाहिद बंदी वाह वाह, साहेब बंदगी बोलो। अगले साल फिर आऊं आपके यहां कि ना आऊं? आऊं तो सुखद सत्संग कराने वाली आयोजक समिति को, ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासी मझोली क्षेत्रवासियों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है कि आपने बहुत बड़ा महान कार्य किया है। ताली बजा दो आयोजक मंडल के लिए। वाह वाह,
एक बेटी ने और निवेदन लिखा है, साहेब जी आपसे विनम्र निवेदन, आज आपका हमारे क्षेत्र में तीसरा दिवस है, इसके पास इसके बाद पता नहीं तुम कब आओगे, सुनेला अवसर ना मालूम कब मिले, इसलिए आज ही ये कथा सुना दो, तुरंत का दान महाकल्याण। सब अपना अपना निवेदन रख लें। एक और निवेदन आया है, ग्राम मझोली ग्राम निमहा में कोल माइल्स में हमार पूरा जमीन ले लिया है, कालिद ने हम सब पर ग्रामवासी को नोटिस दे दिया, अतः हम ग्राम मझोली ग्राम निमहा वाले हम सब कहाँ जाएं, अतः श्रीमान जी राष्ट्रीय संत साहब जी निवेदन है पूरा जमीन कालरी में चली गई, अब ये हम सब कहाँ जाएं, कृपा करके हम सबको रास्ता बताएं, तुम सब हमारे साथ चले जाओ। सब छुट्टी मिल गई। साहिब बंदगी साहिब। तो चौथी चीज है निष्ठुर भाषण, बाबा मुस्कुराई, जिसका भाषण निष्ठुर है उसके घर में दरिद्र आ जाता है। और पांचवी बात, सूर्योदय चास्तामिते सयानम, जो सूर्योदय के समय सोता है और सूर्यास्त के समय सोता है उसके घर में दरिद्र आ जाता है, इसलिए सूर्यास्त के समय कभी मत सोना। कभी बीमार है वो बात अलग है, लेकिन स्वस्थ दशा में सूर्यास्त के समय सोने का मतलब है अब तुम्हारे भाग्य को भी अस्त हो जाना पड़ेगा, सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। सूरज निकले घर छोड़कर निकल जाओ। कितने लोग कभी देर में सोए हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो देर हो गई जागने में कोई बात नहीं, ये तो अपवाद रूप है, लेकिन डेली की आदत बना रखी 9 बजे तक सोना 8 बजे तक सोना, तुम्हारा भाग्य भी सोता रहेगा। सवेरे जो जाग नहीं सकते हैं उनका भाग्य भी नहीं जाग सकता है, सुबह जो सोते रहते हैं 9 बजे तक उनका भाग्य जिंदगी भर सोता रहता है। सवेरे जागो, प्रातकाल उठी कै रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु प्रातःकाल उठो। प्रातःकाल की हवा 1000 रोगों की दवा है। बिस्तर छोड़ दो, बाहर निकल जाओ, मुंह धो लो, फ्रेश हो लो, मंजन ब्रश कर लो, लंबी सांस खींचो, थोड़ा दौड़ दो सुबह सुबह। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है। 1 घंटे पैदल चलने से जो फायदा है, 10 मिनट दौड़ देने से उससे ज्यादा फायदा है। दम फूलना चाहिए, सांस फूलना चाहिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरना चाहिए और तेज सांस चलनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कितने लोग तो जिंदगी भर इतना धीरे सांस लेते हैं, नाक पुन पुन करते तेज सांस भी नहीं लेते, बीमार हो जाएंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है क्या? कपालभाति है क्या? सांस खींचना फेंकना, खींचना फेंकना। दिन भर में कम से कम 20 बार सांस जोर से खींच लिया करो, जोर से फेंक दिया करो, देखो आपका दिमाग ताजा रहेगा। ऐसे जोर से, लेकिन इतना भोजन खाया है, सांस भी भरने की जगह
पूरा जबरदस्त खतरनाक है सब। सीधे बैठ जाओ, बस थोड़ी देर और। कर्म का चक्र सबके ऊपर चल रहा है, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुरंत का दान महाकन्या, ऐसा क्यों कहा गया? मानुष तेरा गुण बड़ा मांस ना हो, काज हाण न होते या वर्ण त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं, इंसान तेरे गुणों की महिमा है, तेरी त्वचा, तेरी हड्डियां, तेरा मांस किसी काम का नहीं, लेकिन तेरे गुण ऐसे हैं जिसके कारण तू धरती का श्रेष्ठ प्राणी है, तेरी पूजा होती है। दान करने का गुण भी बहुत बड़ा गुण है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसके एक बेटी थी, उसे चिंता रहती थी, बेटी की चिंता। जिनके बेटी जन्म ले लेती है, बेटी के साथ चिंता का भी जन्म हो जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, बेटी को योग्य बनाइए, शिक्षा और संस्कार दीजिए, आपकी बेटी को ऐसे सुंदर वर मिलेंगे, आपको टेंशन की जरूरत नहीं। बेटी ने पूछा, पिताजी आप चिंतित दिखते हो, क्या बात है? पिता ने कहा, बेटी चिंता में हूं इसलिए चिंतित दिखाई देता हूं। किस बात की चिंता? तेरी चिंता है, मेरी चिंता? क्यों करते हो मेरी चिंता? तेरे विवाह की चिंता है, धन नहीं है, तेरा विवाह कैसे कर? तो बेटी ने कहा, जो इस देश का राजा है बड़ा दानी है, कविता सुनता है और दान देता है, उसके पास जाओ, नई कविता सुनाओ, दान लेकर आओ, उस पैसे से मेरी शादी कर देना। पिता ने कहा, मुझे कविता बनाना भी नहीं आता। तो बेटी ने कहा, मैं बना दूंगी कविता, तुम चले जाओ पिताजी, बनाओ कविता। क्या बनाओगी? तो बेटी ने बनाया कि तुरंत का दान महाकल्याण, जाओ सुना देना। राज दरबार में सैकड़ों कवि इकट्ठा होते थे, कवियों का सम्मेलन रोज चलता था, कवियों का प्रेमी था राजा। पहुंचा वो ब्राह्मण राज दरबार में, कवियों की लाइन में लग गया, नंबर आया, तो उसने सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हो गया, 5 स्वर्ण मुद्रा उसको दान दिया, इनाम दिया। सभी कवि दुखी हो गए, इतनी लंबी लंबी कविता मैंने सुनाया, एक एक स्वर्ण मुद्रा मिली, इतने छोटी कविता सुनाया, बिल्कुल आधी लाइन तुरंत का दान महाकल्याण, और इसको 5 स्वर्ण मुद्रा मिली। ये ब्राह्मण, इसको देख लूंगा कल तक। ईर्ष्या पैदा हो, जब तुम दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट पाते हो, दूसरों से ज्यादा आगे निकलने लग जाते हो, दूसरों से ज्यादा तुम प्रगति करने लग जाते हो, तो दूसरों के दिलों में कभी कभी ईर्ष्या का जन्म होने लग जाता है। तुमसे लोग जलने लग जाते हैं, तुम्हारी टांग खींचने लग जाते हैं। ब्राह्मण खुश होकर घर गया, बेटी ने कहा, क्या हुआ? बोले, 5 स्वर्ण मुद्रा मिली। दूसरे दिन फिर बेटी ने कहा, जाओ आज फिर कविता सुनाओ। बोले, आज क्या सुनाओ? बोले, यही सुना दो, तुरंत का दान महाकल्याण। फिर ब्राह्मण गया राज दरबार में, कविता सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण, राजा खुश हुआ, 5 स्वर्ण मुद्रा फिर दिया। तो अन्य कवियों ने कहा कि राजा साहेब, इससे इस कविता का अर्थ भी तो पूछो। तो जब अर्थ पूछा तो ब्राह्मण दुखी हो गया, बोला, अर्थ मालूम नहीं। तो राजा ने कहा, अर्थ मालूम नहीं, 5-5 स्वर्ण मुद्रा इनाम ले रहा, इधर उधर की बात सुना रहा है, कल जेल में डाल दूंगा, कल अर्थ बताना आकर। ब्राह्मण दुखी होकर घर पहुंचा, बेटी ने कहा, क्या हुआ फिर चिंतित हो? बोले, चिंता है, कल जेल जाना पड़ेगा। हो गया कविता सब ठंडा बस्ता। बेटी ने कहा, चिंता मत करो, जाओ पिताजी, तीसरे दिन भी यही कविता सुनाओ, राजा से कह देना, यदि इस कविता का अर्थ देखना चाहते हो तुम, तो शाम को 4 बजे बगीचे में जाइए, वहां पर पार्षद विमान लेकर आएंगे, उस विमान में बैठ करके राजा को जाना पड़ेगा और आकाश लोक में इसका अर्थ मिलेगा। ब्राह्मण तीसरे दिन भी गया और सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण, राजा ने कहा, अर्थ बता। बोले, अर्थ 4 बजे शाम को बगीचे में आपको मिलेगा। राजा ने खुश होकर 10 स्वर्ण मुद्रा दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि चलो विकास चालू है, लेकिन कब तक होगा ये विकास? डर भी है,
राजा लोगों के साथ डर रहता है, मुख्यमंत्री के साथ भी सब डरे रहते हैं, मंत्री भी विधायक भी सोचते पता नहीं है नाराज हो जाए आगे टिकट काट देगा। इसलिए बहुत बड़े नेता से छोटे नेता बेचारे डरते रहते हैं, हाथ जोड़कर बताते रहते हैं हे बंदी छोड़ टिकट दे देना मर जाऊंगा खाम खाम। बहुत खतरनाक है सब। और आजकल तो ऐसी राजनीति हो गई कि मुख्यमंत्रियों ने सबको बहुत डरवा रखा है, पूरा पावर अपनी मुट्ठी में रखता है, बाकी किसी को पावर देते ही नहीं, सब बेचारे परेशान हो। उत्तर प्रदेश में एक विधायक कह रहा था बाबा जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं हम तो बर्बाद हो गए। तुमने कहा क्या हुआ? बोले कोई पावर ही नहीं, कहीं कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। तुमने बाबा जी को सुनाओ? बोले बाबा जी तो बिल्कुल खतरनाक शेर है भाई, उनसे कह नहीं सकते कुछ। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने विधायकों का भी सम्मान रखना, कार्यकर्ताओं का आदर रखना, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हो। ये कार्यकर्ता तुम्हारे मुख्यमंत्री पद की नींव है, अगर नींव को उखाड़ दोगे तो याद रखना बिल्डिंग अपने आप ढह जाएगी। कार्यकर्ता अगर सुरक्षित नहीं रहे तो मुख्यमंत्री का पद भी तुम्हारा सुरक्षित नहीं रहेगा, उनका ध्यान रखो। साहेब बंदगी बोले, राजा शाम को बगीचे में गया, पार्षद विमान लेकर आए, बोले राजा साहब आपको अर्थ चाहिए तुरंत का दान महाकल्याण कविता का? बोले हाँ आइए बैठिए विमान में। विमान में बिठाया आकाश में उड़ाया, राजा के होश उड़ गए कि कहाँ ले जाएंगे, ये कविता का अर्थ तो अनर्थ हो सकता। सात लोक के बाद आठवें लोक में विमान उतर गया, देखा कि एक स्वर्ण महल बन रहा। राजा ने कहा ये क्या बन रहा? बोले यहां नया स्वर्ग बन रहा, सोने का स्वर्ग बनेगा। किसके लिए? धरती लोक में एक धर्मवीर नाम का राजा रहता है, बहुत दान पुण्य करता, सेवा परोपकार करता, जनता की सेवा करता है, उसके लिए यहां पर स्पेशल स्वर्ग बनाया जा रहा। तो राजा ने कहा तो मैं ही हूं धर्मवीर राजा, मेरा नाम। बोले आपके लिए बन रहा, देख लीजिए। राजा खुश हुआ, लौट कर आया, लेकिन मन में एक भाव आ गया। चौथे दिन जब ब्राह्मण आया उसने फिर कविता सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण, तो राजा ने कहा अपनी बेटी तेरी कविता बनाती है उसको लेकर आऊ, उसके साथ में विवाह करूंगा, जो लोक और परलोक का ज्ञान रखती है उसके साथ में शादी करूंगा। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ कि बेटी 17 साल की और ये राजा 60 साल का, जोड़ा भी सेट नहीं होता। ये क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, ये भी सेटिंग नहीं, कलयुग होता तो सेटिंग बन भी जाती। राजा का मन ललचा गया कि ऐसी कन्या को मैं अपनी रानी बनाऊं। ब्राह्मण दुखी होकर लौटा 10 स्वर्ण मुद्रा लेकर। कवि सब खुश हो गए कि अब चक्कर में पड़ा है, ठीक है वो भी नाम ले रहा था। बेटी ने देखा अपने पिता को चिंतित, तो कहा क्या चिंता पिताजी? बोले चिंता क्या बेटी, राजा बोला है तेरी बेटी के साथ जबरदस्ती विवाह करूंगा। अब ये लफड़ा और खड़ा हो गया। बेटी ने कहा चिंता मत करो, जाओ पांचवें दिन भी राजा को कविता सुनाओ तुरंत का दान महाकल्याण, कह देना कविता का अर्थ बदल चुका है, कविता वही है अर्थ वो नहीं है, बदल गया अर्थ। 4 बजे शाम को बगीचे में जाकर के अर्थ फिर से देख ले। राज दरबार में जाकर के ब्राह्मण ने 5वें दिन कविता सुनाई कि तुरंत का दान महाकल्याण। खुश हुआ और बोला बेटी आई? बोले वो नहीं आई, लेकिन उसने बताया है कि कविता का अर्थ बदल गया है, 4 बजे शाम को बगीचे में जाइए, पार्षद विमान लेकर आएंगे, विमान में बैठकर जाना और अर्थ पता चल जाएगा क्या अर्थ बदला। राजा शाम को गया बगीचे में, पार्षद विमान लेकर आए, विमान पर बैठा, आकाश में विमान उड़ा, 7वें लोक के पश्चात 8वें लोक में उतरा। वहां देखा कि वो जो सोने का स्वर्ण महल बन रहा था, स्वर्ग नया बन रहा था, उसको हजारों मजदूर तोड़ रहे हथौड़े से, और वहां बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है, वहां नरक का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। राजा ने कहा ये क्या हो रहा है?
इसको तोड़ के यहाँ गड्ढा क्यों खोद? बोले यहाँ नरक बनाया जाएगा। बोले क्यों? बोले वो धर्म भी राजा अधर्म भी राजा हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण की कन्या के साथ में जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। ब्राह्मण का मन दुखी है, अधर्म उसके मन में आ गया, इसलिए उसके नरक तैयार किया जा रहा है, स्पेशल नरक में डाला जाएगा। राजा ने पार्षदों से कहा मुझे पृथ्वी लोक पहुंचाइए जल्दी। विमान से पृथ्वी लोक राजा आता है, छठवें दिन ब्राह्मण फिर आता है, फिर सुनाता तुरंत का दान महाकल्याण। राजा कहता है ब्राह्मण देवता, आपकी बेटी के विवाह में जितना धन लगेगा मैं लगाऊंगा, जहां इच्छा वहां विवाह करो, मैं तुम्हारी बेटी के पैर छूऊंगा, उसको पत्नी नहीं बनाऊंगा। मैं सब देख आया, विचार बदलते ही फल बदल जाता है। ब्राह्मण खुश होकर के घर आया, बेटी ने कहा आज बहुत खुश पिताजी। बोले आज तो सब काम बन गया, सारा धन राजा लगाएगा, जहां इच्छा वहां शादी करूंगा। बोले राजा से फिर छठे दिन जाकर के सातवें दिन फिर सुना दो जाकर तुरंत का दान महाकल्याण, फिर नया अर्थ आ चुका है, फिर से देख ले राजा। फिर अगले दिन गया ब्राह्मण देवता, राज दरबार में सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण, राजा ने इनाम दिया स्वर्ण मुद्रा और कहा कि क्या बात। बोले आज अर्थ फिर बदल चुका है, फिर से आप 4 बजे शाम को बगीचा जाइए और पार्षद विमान लेकर आएंगे, बैठिए उस पर और अर्थ देखिए जाकर। शाम को 4 बजे बगीचे को गया राजा, पार्षदों के विमान में बैठ करके सातवें लोक को पार करके 8वें लोक में उतरा तो वहां देखा कि हजारों मजदूर लगा हुआ है, फिर से स्वर्ण महल स्वर्ग बनाया जा रहा है, तेज गति से काम चालू है। तो राजा ने पूछा अब क्या हो रहा? बोले उस राजा की बुद्धि सुधर गई है, अधर्मवीर राजा फिर से धर्मवीर बन गया है, उसके लिए स्पेशल स्वर्ग की रचना हो रही है, जिसका नाम तुरंत का दान महाकल्याण। आपके मन में गलत विचार आते ही आपका भाग्य बिगड़ जाता है, अच्छे विचार आते ही भाग्य सुधरने लग जाता है, इसलिए अपने विचारों को बिगड़ने मत दो। गलत भावना आते ही भावना का भी प्रभाव तुम्हारे भाग्य पर पड़ जाता है, और भावना रखने में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन भाग्य बदलता है उससे, भाग्य चेंज होता है। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में राज्य कुंभ मेला में गया तो वहां नागा बाबा लोगों को देखा मैंने, तो मैंने कहा ये सब नागाओं को कंबल बांटूंगा। अब नागा भी बहुत थे, 500-600 के करीब नागा, कंबल बांटने का संकल्प ले लिया, भावना बन गई कंबल दूंगा। फिर हिसाब जुड़वाया तो लाखों के ऊपर गया, तो हमने कहा जय बजरंग बली नंग धड़ंग बाबा। लेकिन ये मैंने इरादा किया, भावना बनाया। एक भक्त ने हमको 12 लाख दान दिया, कंबल खरीद कर मैंने नागा बाबा को दे दिया। भावना सिर्फ मेरी थी, देने वाले की भावना बन गई कि इनको दे दो। मैंने कंबल खरीदा कर नागा बाबा को दे दिया। नागा बाबा को जब कंबल देने गया तो नागा बाबा सब इकट्ठे हुए, बीच में मुझे बिठाया, तो मैं जिधर देखूं उधर नंग धड़ंग सब बैठे। मैंने कहा आज अच्छा फंसे महाराज, जय हो असंग साहेब, निपटा देंगे नागा लोग। नागा लोगों ने कहा कि हम आपको जानते हैं मानते हैं, लेकिन आप हमारे बीच में आते क्यों नहीं? हमने कहा ये नंग धड़ंग देखकर नहीं आता। बोले हम नागा हैं, कभी जरूरत पड़े आपकी सेवा करेंगे, कोई आश्रम में परेशान कर रहा हो तो हम लोग सुधार देंगे आकर उसको। नागा नागा लोगों की जमात बहुत बड़ी जमात है नागा बाबा। मैं सभी नागा बाबा का सम्मान करके जब लौटा, बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। याद रखना, जब निस्वार्थ भाव से तुम किसी की सेवा करते हो तब तुम्हें जो सुख मिलता है वो सुख 3 लोक में कहीं भी नहीं मिलता, बहुत सुख मिलता। जाकी रही भावना प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। नास्त बुद्धि युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्।
यत्र छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धोपि चकृत्वापि न निबध्यते युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवत् दुःखः। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है और यथा योग्य भावना नहीं है और जिसके पास में बिल्कुल भावना ही नहीं है, कृष्ण कहते हैं उसको शांति कहां मिल सकती है, और जिसको शांति नहीं उसको सुख कहां हो सकता है। इसलिए भावना अपनी अच्छी बनाइए, भाव तो होना चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसे के सिवा कुछ नहीं चाहिए। विधायक साहब को मुझको इसे के सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसे के सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बरे दान दो, भक्ति का ज्ञान दो, मुझको इसे के सिवा कुछ नहीं चाहिए। पूज्य श्री ग्रंथ मुनि नाम साहब को भी मेरी व्यास गादी नमन करती है, प्रकाश मुनि नाम साहब को भी व्यास गादी साहब बंदगी बोलती है। इस क्षेत्र में आए हुए संत महंतों को हमारी व्यास गादी साहब बंदगी करके नमन करती है कि जिन्होंने इस क्षेत्र में कबीर के ज्ञान को फैलाया है, जन जन को जगाया है और सबके घर घर में साहब बंदगी पहुँचाया है। ऐसे महान पुरुषों को धन्यवाद है।